हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो शेयर्स के बारे में, एक है ट्राइडेंट लिमिटेड तो दूसरा है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। दोनों ही शेयर बहुत ज़्यादा बेहतरीन शेयर हैं और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें न्यू अपडेट्स देखने को मिलने वाली है। जहाँ तक हम बात करें ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में, तो एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है इनकी एक्विजिशन के बारे में। वहीं अगर हम बात करें IEX लिमिटेड के बारे में, तो वहाँ भी एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है जो कि मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ। तो आपसे जस्ट एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें ओवरऑल मार्केट सिनेरियो के बारे में, तो आज मार्केट में भयंकर गिरावट देखने को मिली। करीबन 1150 पॉइंट की गिरावट आपको सेंसेक्स में देखने को मिली और करीबन 350 से ज़्यादा के पॉइंट्स की गिरावट आपको निफ्टी 50 में देखने को मिली। बाकी दो इंडाइसिस में भी अगर आप देखोगे, जो निफ्टी बैंक और मिड कैप नज़र आते हैं, उसमें भी आपको पर्टिकुलरली अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। तो आज मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है, उसका इम्पैक्ट भी अगर आप देखोगे तो ट्राइडेंट लिमिटेड पर भी देखने को मिला। ट्राइडेंट में भी अगर आप देखो, आज अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। अब यहाँ पे ये शेयर ऑलरेडी इतने हाईएस्ट पीक पर पहुँच गया था कि लोगों ने वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दिया था। अब यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग का भी असर देखने को मिला और आज की जो गिरावट है उसका भी आपको पर्टिकुलरली असर देखने को मिला है ट्राइडेंट लिमिटेड पर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे आज इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी गिरावट है। वहीं अगर इसके वॉल्यूम के बारे में बात करें तो BSE पर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ठीक ठाक सा वॉल्यूम देखने को मिला और 40% से ऊपर की डिलीवरी परसेंटेज आपको यहाँ पे देखने को मिल गई है। वहीं अगर NSE के बारे में बात करें तो यहाँ पे BSE के कंपैरिजन में थोड़ा सा एडिशनल वॉल्यूम देखने को मिला है और 1 करोड़ से भी ज्यादा का अगर आप देखोगे तो डिलीवरेबल क्वांटिटी देखने को मिल रही है। ओवरऑल हम वॉल्यूम यहाँ पे अगर काउंट करके देखें तो कल के जो वॉल्यूम था उसके कंपैरिजन में आज का वॉल्यूम ज्यादा है। चाहे अगर अब उसको आप सेलिंग क्वांटिटी में ही क्यों ना देखो, लेकिन आज का वॉल्यूम आपको ज्यादा देखने को मिला ट्राइडेंट लिमिटेड में। तो ये तो पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे तो मार्केट सिनेरियो निकल के आते हैं, एक एक करके अपडेट अब मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पर जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वो एक्विजिशन से रिलेटेड निकल के आ रही है। आपको पता ही है कि सिंटेक्स जैसी कंपनी यहाँ पे दिवालिया हो चुकी है। अब यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ साथ और भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने EOI यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शो किया है, यानी कि खरीदने में, सिंटेक्स को खरीदने में इंटरेस्ट शो किया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिलायंस ने अकेले नहीं, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ACRE यानी एसेट केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन के साथ यहाँ पे EOI दिया है, अकेले नहीं दिया है। बाकी आप यहाँ पे आदित्य बिरला जैसी कंपनी भी देख पा रहे होंगे, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात जो निकल के आती है वो ये है कि सिंटेक्स को खरीदने में ट्राइडेंट लिमिटेड ने भी बहुत बड़ा इंटरेस्ट शो किया है। इसका मतलब अब ये है कि ट्राइडेंट न्यू एक्विजिशन के लिए पूरी तरीके से ओपन है और यहाँ पे जो इनका, मैं हमेशा से बता रहा था, जो बिजनेस को ग्रो करने का प्लान है वो अब दूसरे लेवल पर जाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि कंपनी अब अपने बिजनेस को बहुत हद तक ऊपर के लेवल पर ले जाना चाहती है। उसके लिए अगर आप देखोगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड रेजिंग भी आपको देखने को मिल रही है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑफर्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं, ई स्टोर्स भी देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो बड़ी न्यूज है, आपको ये भी देखने को मिल रही है कि जो ट्राइडेंट लिमिटेड है अब न्यू एक्विजिशन के लिए भी ट्राई कर रही है, जिसकी वजह से हो सकता है इनके जो रेवेन्यू है वो आपको डबल और ट्रिपल होते हुए नजर आए, वैल्यूएशन है वो भी आपको यहां से बहुत ज्यादा होती हुई नजर आ जाए। तो ये पर्टिकुलरली न्यूज अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपने ट्राइडेंट लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि यहां से आपको कंपनी की इंटेंशन पता चलती है कि आखिर कंपनी यहां से किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना चाहती है और आने वाले टाइम में अपनी कंपनी को कैसे आपको ग्रो करते हुए दिखा सकती है। तो पर्टिकुलर अपडेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में कवर करके बता दिया है। बाकी आने वाले टाइम में क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं, कौन कौन से लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, आप यहाँ पे पाइवट टेबल के थ्रू देख सकते हो। इसमें मैंने R1, R2, R3 और S1, S2 और S3 यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं कि अगर इसमें गिरावट या फिर उछाल आए तो वो कौन कौन से लेवल्स हैं जो शॉर्टर पीरियड ऑफ टर्म में ट्राइडेंट में आपको देखने को मिल सकते हैं, आप यहाँ से इजिली देख सकते हैं।
कंपनी का रिजल्ट ऑलरेडी अच्छा है, 36% ऑफ डिविडेंड भी अनाउंस किया है। अब यहाँ पे जो स्प्लिट की न्यूज़ थी एक, वो बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल लग रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा वैल्यूएशन अभी शेयर का है नहीं कि यहाँ से आपको कोई स्प्लिट देखने को मिले। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सिनेरियो आपको देखने को मिल रहा है ट्राइडेंट लिमिटेड में। आने वाले टाइम में हो सकता है ये शेयर आपको बहुत जल्दी 50 रुपये के लेवल टच करते हुए नज़र आ जाए। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं IEX यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के बारे में। आज अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी आपको गिरावट देखने को मिली, करीबन 713 के आसपास अगर आप देखोगे इसकी क्लोजिंग हुई, 3.26% की गिरावट हुई। सबसे पहले टारगेट बताता हूँ, उसके बाद आपको मैं न्यूज़ बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे ICICI डायरेक्ट की तरफ से इस पर बाइंग की रिकमेंडेशन निकल के आई है। शॉर्टर पीरियड ऑफ टर्म का जो टारगेट निकल के आया है करीबन 910 रुपये का टारगेट निकल के आया है। जो आज के टाइम में 713 के आसपास ट्रेड करता है उसका शॉर्टर पीरियड ऑफ टर्म का अगर आप टारगेट देखोगे तो 910 रुपये का टारगेट आपको नजर आता है। करीबन 200 रुपये का एक पर्टिकुलर स्टॉक में आपको बेनिफिट देखने को मिल रहा है ICICI डायरेक्ट के अकॉर्डिंग फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये पर्टिकुलर टारगेट आप यहाँ से कंसिडर करके चल सकते हो अगर आप IEX में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड हो तो। अब मैं आपको न्यूज बताता हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि IEX लिमिटेड में आपको बहुत जल्दी बोनस शेयर देखने को मिल सकता है। कंपनी पूरी तरीके से प्लान कर रही है कि आने वाले टाइम में वो अपने शेयर होल्डर को यहाँ पे बोनस शेयर देते हुए नज़र आ जाए। यहाँ पे अगर आप देखोगे पोस्टल वॉलेट के थ्रू शेयर होल्डर से डायरेक्शन ली जा रही है, शेयर होल्डर्स से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आखिर वो पर्टिकुलरली रेशियो क्या रखना चाहिए बोनस के लिए, और यहाँ पे आने वाले टाइम में किस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में बोनस दिया जाना चाहिए, और वो क्या क्या कंडीशंस हैं जो यहाँ पे शेयर होल्डर चाहते हैं वो यहाँ पे कंपनी फॉलो करते हुए नजर आ सकती है। तो जिन भी लोगों के पास यहाँ पे आपको शेयर नजर आएंगे उनके लिए बहुत अच्छा यहाँ पे बेनिफिट नजर आएगा इन केस अगर यहाँ पे आपको बोनस शेयर देखने को मिल जाता है तो, क्योंकि कंपनी पूरी तरीके से प्लान कर चुकी है बोनस शेयर देने के लिए। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ये शेयर बहुत ज्यादा अच्छा नजर आता है। मैंने आपको जब का लेवल 350 से 400 के बीच में चल रहा था तब से मैंने आपको ये स्टॉक रेकमेंड किया था। आज अगर आप देखोगे तो 800 रुपये तक भी आपको ये नजर जाता हुआ नजर आया है। तो एक डेफिनेटली बहुत अच्छा स्टॉक है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसके सेक्टर में मोनोपोली आपको दिखाई देती है। तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा स्टॉक है जिसको अगर आप एक पर्टिकुलरली कम लेवल पे एंट्री ले लेते हो तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छे खासे रिटर्न आपको प्रोवाइड करा सकता है इन फ्यूचर। तो दोनों ही स्टॉक के बारे में जो पर्टिकुलरली अपडेट निकल के आ रही थी मैंने आपको बता दी है। आई होप आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।